दोस्तों, आर्यन खान केस में समीर वानखेड़े के मामले में अचानक से ट्विस्ट आ गया है, नया मोड़ सा आ गया है। और जो समीर वानखेड़े अब तक बैकफुट पर दिख रहे थे, केस से पूरी तरह से बेदखल दिख रहे थे, वही समीर वानखेड़े अब पूरी तरह से ताकतवर नजर आ रहे हैं। हालात ये हैं कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने बिना शर्त के माफी मांग ली है और साथ ही साथ ये भी खुद ही बता दिया कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। जी हाँ, नवाब मलिक ने खुद बताया कि उनकी अरेस्टिंग होने वाली है और वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो अचानक ऐसा क्या हो गया मुंबई में, क्यों नवाब मलिक की तय हो गई गिरफ्तारी और क्यों सबके सामने मांग ली उन्होंने माफी, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। तो मुंबई में अक्टूबर के महीने से ही आर्यन खान को लेकर बवाल मचा हुआ है। आर्यन खान को ड्रग केस में समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने गिरफ्तार किया और तब के बाद से ही लगातार कुछ लोगों ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। तो कुछ ने कहा कि समीर वानखेड़े बॉलीवुड से ड्रग का पर्दाफाश कर रहे हैं। आर्यन खान की चैट्स को लेकर भी कई बातें आईं। हालांकि बाद में आर्यन को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये थी कि लोअर कोर्ट से जमानत नहीं मिली। लोअर कोर्ट से आर्यन खान को मुश्किलें झेलनी पड़ी। अब आर्यन को जमानत मिली तो इस दौरान लंबे समय से महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक समीर वानखेड़े के खिलाफ कई दावे कर रहे थे, कई खुलासे कर रहे थे और यहां तक कह दिया था कि अब समीर वानखेड़े की नौकरी जाएगी, वर्दी भी उतर जाएगी। मामला बेहद संगीन हो गया। समीर वानखेड़े को आर्यन की जांच से हटाकर दिल्ली से आई टीम को जांच सौंप दी गई। लेकिन अब एक बार फिर से मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। जी हाँ, एक बार फिर पूरा मामला पलटता हुआ दिख रहा है। हालात ये हैं कि नवाब मलिक के जेल जाने की तैयारी हो गई है और ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद नवाब मलिक ने बताया है। और ये सब कुछ तब हुआ जब नवाब मलिक ने बिना शर्त के समीर वानखेड़े से माफी भी मांग ली। अब माफी में नवाब मलिक ने क्या कहा वो आपको बताएंगे, कब होगी गिरफ्तारी वो भी बताएंगे, लेकिन पहले अपनी गिरफ्तारी को लेकर नवाब मलिक क्या बोले वो देखिए और समझिए। नवाब मलिक ने ट्वीट किया कि उनके घर सरकारी मेहमान आने वाले हैं। जी हाँ, नवाब मलिक ने ट्वीट किया, साथियों सुना है मेरे घर आज या कल में सरकारी मेहमान आने वाले हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। डरना मतलब रोज रोज मरना, हमें डरना नहीं है, लड़ना है। गांधी लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। अब यहाँ पर नवाब मलिक का सरकारी मेहमानों से साफ साफ मतलब केंद्रीय जांच एजेंसियों से था। नवाब मलिक का साफ कहना था कि जांच एजेंसियां उनके घर आने वाली हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उन्हें सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। और साथ ही साथ नवाब मलिक ने ये भी लिखा कि डरना नहीं है क्योंकि रोज मरने वाली कंडीशन है। अब नवाब मलिक का ये ट्वीट ठीक उस माफी के बाद आया जो कि नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दी। जी हाँ, बॉम्बे हाईकोर्ट में नवाब मलिक ने सरेआम एफिडेविट देखकर, जी हाँ ऐसे वैसे नहीं बल्कि एफिडेविट हलफनामा देखकर समीर वानखेड़े को लेकर माफी मांगी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, समीर वानखेड़े पर पब्लिकली कई तरह के आरोप लगाने वाले नवाब मलिक ने कोर्ट में बाकायदा हलफनामा दिया, माफी मांगी और वो भी बिना शर्त। नवाब मलिक को हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े पर टिप्पणी करने से बयान देने के लिए रोक लगाई थी, मगर उसके बाद भी नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगातार बयान दिए थे और इसीलिए नवाब मलिक ने कोर्ट में माफी मांगी और कहा कि आगे से वो समीर वानखेड़े के खिलाफ कोर्ट के खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं बोलेंगे। नवाब मलिक ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि वो कोर्ट के फैसले की अवमानना कर रहे हैं, यानी कि पहले नवाब मलिक ने कोर्ट में जाकर माफी मांगी और फिर अपनी गिरफ्तारी की बात कह दी। अब यहाँ पर आपको बता दें कि कई दिन से कहा जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां नवाब मलिक को गिरफ्तार कर सकती हैं, अनिल देशमुख की तरह नवाब मलिक को जेल भेजा जा सकता है, सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है और माना जा रहा है कि अगले हफ्ते तक स्ट्राइक हो सकती है। अब इसका साफ मतलब है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां समीर वानखेड़े के साथ खड़ी हैं। अब समीर ने गलत किया है या नहीं, या फिर गलत किया तो क्या गलत किया, ये सब कुछ जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कंडीशन यही है दोस्तों कि नवाब मलिक समीर के खिलाफ अब ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे और वो माफी भी मांग चुके हैं और खुद ही बता चुके हैं कि उनकी गिरफ्तारी तय है, यानी कि नवाब मलिक बड़ी मुश्किलों में फंस चुके हैं। तो ऐसे में आने वाला हफ्ता बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ी स्ट्राइक इस हफ्ते में हो सकती है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्या वाकई नवाब मलिक ने गलत किया
या समीर वानखेड़े ही गलत हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो समीर वानखेड़े एनसीबी के वो अधिकारी हैं जो कि पिछले 1.5 साल से सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं। सुशांत सिंह राजपूत का केस हाथ में लेने के बाद समीर वानखेड़े ने कई केस पकड़े, कई लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया और लगातार बॉलीवुड पर सबसे बड़े हमले करते रहे और ड्रगी बॉलीवुड की पोल खोलते रहे। इस सिलसिले में मुंबई क्रूज ड्रग केस में आर्यन खान को भी पकड़ा गया, लेकिन मामला शाहरुख खान जैसे सेलिब्रिटी तक पहुंचा तो खासा हंगामा मच गया और समीर वानखेड़े पर भी आरोपों की झड़ी लगा दी गई। समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने वालों में सबसे बड़ा नाम महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक का है। मलिक ने समीर को लेकर कई खुलासे किए और कई दावे भी किए और हैरानी भरी बातें भी बताई, मगर समीर वानखेड़े ने अपनी तरफ से कभी भी कुछ भी बहुत ज्यादा इस पर जवाब नहीं दिया। नवाब मलिक सोशल मीडिया पर अपने खुलासे करते रहे, लेकिन इसी बीच समीर के पिता की याचिका पर कोर्ट ने नवाब मलिक के समीर वानखेड़े के खिलाफ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर लिखने से बोलने से पूरी तरह रोक लगा दी। अब लगा था कि मामला शांत हो जाएगा, मगर यहीं से मामला और ज्यादा बिगड़ गया और इसी वजह से समीर वानखेड़े इस बार अपनी पत्नी क्रांति रेडकर के साथ आए और बड़ी स्ट्राइक कर दी। समीर वानखेड़े अपनी पत्नी क्रांति के साथ मुंबई के डिंडोशी में सिटी सिविल कोर्ट में पहुंचे और अपनी तरफ से एक याचिका दायर करा दी। अब इसमें क्या मांग की गई है, क्या लिखा है, वो भी देखिए और समझिए। समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका में लिखा है कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार बयानबाजी हो रही है, कुछ लोग उन्हें गलत तरीके से निशाना बना रहे हैं, कुछ लोग उन पर गलत और बेबुनियाद टिप्पणियां कर रहे हैं जिससे वो मानसिक और सामाजिक रूप से बेहद प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं और इसीलिए फेसबुक, गूगल और ट्विटर पर होने वाली इस बयानबाजी को तुरंत रोक दिया जाए और तत्काल इस पर रोक लगा दी जाए। अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर समीर वानखेड़े ने ये याचिका दी है और इस पर तुरंत सुनवाई की मांग की है। साथ ही समीर वानखेड़े ने उम्मीद जताई है कि फैसला उनके पक्ष में ही होगा, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट पहले ही नवाब मलिक को बयानबाजी के लिए रोक चुकी है। असल में नवाब मलिक को बयानबाजी से रोक तो दिया गया था, लेकिन फिर भी कई लोग समीर वानखेड़े को लेकर बयान दे रहे थे और समीर और उनके परिवार का मानना है कि आरोप है कि ये सब कुछ उन्हीं के इशारे पर हो रहा है, नवाब मलिक के इशारे पर ही गलत बयानबाजी की जा रही है और लगातार बयानबाजी पर आरोप लगा है। इसीलिए इस पर खुद समीर अपनी पत्नी के साथ कोर्ट पहुंचे। अब आगे क्या होगा वो भी समझिए। वैसे तो समीर वानखेड़े को इस मामले में जीत मिलना तय है।